कुर्सेला जो कटिहार जिले में कुल 16 प्रखंड हैं, जिसमें एक प्रखंड कुर्सेला जो जिला का सबसे छोटा प्रखंड तथा कृषि का एक समृद्ध केंद्र है, जिसमें मात्र 6 पंचायत हैं। कुर्सेला विभिन्न धर्मों के बीच अपनी अखंडता के लिए प्रसिद्ध हैं। कुर्सेला प्रखंड की स्थापना 8 अगस्त 1994 में हुई। अब तक इस प्रखंड को बने 29 वर्ष हो चुके हैं। इसी को लेकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुर्सेला प्रखंड की 30वीं स्थापना दिवस पूरे दिन बारिश होने के बावजूद भी बड़े धूमधाम से मनाई गई, जिसमें शामिल हुए प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूर्व जिला पार्षद गोपाल प्रसाद यादव, पूर्व सांसद नरेश यादव, राजद अध्यक्ष अरुण कुमार, राणाकांत झा, शशि चौधरी, खगेंद्र यादव, दिनेश कुमार दिनेश, वर्तमान विधायक विजय सिंह, नरेश सिंह, मणिकांत यादव, खगेंद्र साहब, विमल मलाकार, विधायक प्रतिनिधि कैलाश सहनी, प्रखंड अध्यक्ष अरुण शाह और हलीम जवाज, युवा अध्यक्ष समाजसेवी नागो के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस समारोह में कई विषयों पर बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे और सभी वक्ताओं ने कुर्सेला प्रखंड की स्थापना को लेकर हुए संघर्ष और आंदोलन व आंदोलनकर्ताओं को याद करते हुए उनके योगदान की सराहना की। साथ ही बाहरी कड़ियों को देखते हुए कुर्सेला प्रखंड के विकास के बारे में चर्चा भी की गई। साथ ही भ्रष्टाचार, जातिवाद, घूसखोरी को पछाड़ कर कुर्सेला प्रखंड को विकास की ओर ले जाते हुए हर वर्ष धूमधाम से 8 अगस्त को कुर्सेला स्थापना दिवस मनाने की कामना की गई और समारोह को सम्पन्न किया गया। वीडियो साहब कहाँ गए? इधर है, अरे यहाँ आइए ना, काटिए ना वीडियो साहब, सरकार का प्रतिनिधि आप पकड़िए, चलिए काटिए, चल हाथ पकड़ लो। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद लालू यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हुआ? ऐसे होता है कि सीनियर आदमी, अरे हो गया उनका, अरे हाँ लीजिए ना, जो कहते हैं आप खिलाइए, अब आप खिलाइए, नहीं यही खिलाएंगे, पता नहीं दिल्ली के हैं, नहीं हम आपको मुंह में लगा देंगे, नहीं थैंक यू, चलिए भाई सुन भाई ना, आप कहिए ना, आइए वो जो बात मन में आई, शरीर कह रहा था कि बोलना नहीं है, लेकिन माइक और मंच नेता के सामने आ जाए तो बिना बोले रहा भी नहीं जाता। उसी तरह जैसे कि बिल्ली के आगे अगर मछली डाल दी जाए तो बिल्ली नाचने लगती है, ये आ जाए तो फिर कहना क्या है। बस जितना ही आग्रह है, सभी को बहुत धन्यवाद, हमारे इलाके को 1 साथ 2 लाभ मिला, समेली प्रखंड बना, कुर्सेला भी प्रखंड बना। समेली प्रखंड बनाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी मणिकांत जी को है, और दोनों जगह अगर प्रखंड बना, इसके लिए 2 आदमी का योगदान अत्यधिक है, एक परम आदरणीय लालू जी और एक डॉक्टर राणा, उसे हम भूल नहीं सकते। हैं तो हम लोग सहमते हैं, बड़ा फर्क हुआ है बराड़ी कुर्सेला में। तब हमारी स्थिति ये नहीं थी जो आज है। आज हम कहीं न कहीं इसमें लिप्त हुआ हमको दिखाई पड़ता है। जो ईमानदार है सबसे अधिक उपेक्षित है, उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। जो गिव टैक करता है उसकी बात ही चलती है, और स्थिति यह है कि समय पर कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं रहते। तो खैर जो भी हो, ये परिस्थिति है। हमारा एक आग्रह ये है कि प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति को अब बहुत लंबा ने इसको ट्रांसफर कर दीजिए। अब चूंकि मणिकांत जी यहां है, इसलिए कह रहा हूं कि अब ये कुर्सेला अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति कर दो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मणिकांत जी ने भी कहा था भैया हम कुर्सेला को अनुमंडल बनाने के पक्ष में हैं।
तो अगर हम मणिकांत मिल जाता है, हम लोग आप लोग सब मिल जाते हैं, तो ये अनुमंडल हो जाएगा। क्योंकि भविष्य में मुझे ऐसा लगता है जब कभी नवगछिया जिला बना तो प्रोसेस में ये भी हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तो जो भी हो, क्योंकि हम उस समय अगर पाठ करके भागपुर चले जाते हैं, हमारी लाचारी होगी, इसको अनुमंडल बनाया जाए। वैसे हमारी कोशिश है हम लोग अपने जिला में रहें, कटिहार में रहें, कटिहार में पढ़े पढ़े हैं रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर से बाध्यता हो गई तो फिर कुर्सेदा पर मंडल बनाना लाजमी हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मन बहुत बोलने का है, लेकिन ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है मेरे लिए। खास करके आज आप लोगों ने सब मिल करके इस बरसात में, भारी बारिश हो रही है और इस भारी बारिश में भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं, ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं आपके दिल में परिवर्तन की झलक है। आप चाहते हैं कुर्सेला प्रखंड और अच्छा हो, बेहतर हो, और हमारा ये कोशिश है कि प्रखंड की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के हम लोग लड़ेंगे। गोपाल जी से और अन्य साथियों से मेरा आग्रह है, एक काम आज कर लें, अगर थाना अध्यक्ष जी यहाँ है तो गर्ल्स हाई स्कूल के आगे कूड़ा का ढेर, जहाँ हमारी बेटी पढ़ती है, बूटी पढ़ती है, और वहाँ 10 से 11 12 के बीच में काफी थोड़ा गलत लड़के वहाँ बच्चा कसते हैं, तो कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हो जाए तो अच्छा है। फिर भ्रष्टाचार यहाँ जिस तरह से फैल रहा है, मुझे पता है अरुण जी ने किसान अरुण जी बता रहे थे कि 33,000 रुपया मांग रहा है एक मोटेशन में, ये धंधा चल रहा है, सरकारें कानून बदल रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रुका हुआ है। सरकार हमारी है, ये कहने का है सरकार हमारी महागठबंधन की है, लेकिन हम लगता है कि हम वो गांठ नहीं खोल सके जो गांठ बंधा हुआ था। हम आपके सहयोग से महागठबंधन के साथियों से चाहेंगे जो भ्रष्टाचार का गठबंधन है, इतना अस्तित्व हो सके खुले सदाचार है, यही हमारी शुभकामना है। और हम आप जो हमारी क्षमता बची है और जो हमारा ताकत है उससे हम भरपूर सहयोग करेंगे, और जहाँ भी कहेंगे। अभी मैं तुरंत आया हुआ हूँ, जब मैं इलाज में था उस समय मुझे बहुत याद आया आदरणीय लालू जी का, इसलिए अगर शायद लालू जी हमें MP न बनाते तो ये इलाज भी मैं नहीं कर पाता, लेकिन उनके MP के बनाने के चलते इस देश के सर्वोत्तम हॉस्पिटल स्पॉट में हमने अपना किराज कराया, और आप लोगों के शुभकामना से मैं स्वस्थ होके हूँ। आगे 1-1.5 महीना के बाद फिर से जो निर्णय करेंगे, जो कहेंगे, हम आपको सहयोग करने को तैयार हैं, क्योंकि जिंदगी का एक एक क्षण आदमी को समाज के विकास में, समाज के हित के लिए करना ही हमारा उद्देश्य होता है। आप सब जो बैठे हुए हैं, आपके दिल में कहीं न कहीं सामाजिक चेतना की भावना है, सामाजिक परिवर्तन की भावना है। बंधु चौसखा तुम्हें वो, अब तुम्हें वो विद्या द्रविणं तुम्हें वो सर्वम मम देव। हे जनता जनार्दन, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, आप जनार्दन हैं, जनता हैं, आप में महान शक्ति भरी हुई है, ईश्वर की कृपा है। आइए, मंचा सिंह हमारे योद्धा लोग बैठे हुए हैं जो संघर्ष किए हैं। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि किसी के निरेटी दाब लेना, संघर्ष का मतलब मार्गदर्शन बताना, मार्गदर्शन देना, जो अच्छा रास्ता हो वही रास्ता बताना, इसी का नाम मार्गदर्शन। आनंद मार हमारे मंचा सिंह विधायक, युवा विधायक, सम्राट विधायक, भाई विधायक विजय सिंह यादव जी को बहुत बहुत नंबर 1। नंबर 2, इस परिक्षेत्र के कटिहार जिला के
तेज तर्रार बल वाले नेता बड़े भाई भाई मणिकांत यादव जी को भी अनंतों बार स्वागत है, अभिनंदन है। और आपने जो संघर्ष किया है उसका भी थोड़ा सा हिस्ट्री हम बताएंगे। इस आज के स्थापना दिवस के अवसर पर बड़े भाई जो नक्षत्र मालाकार बजरंग सराफ साहब, सुरेश चंद विद्रोही जी, मोहन बिरला साहब, ऐसे ऐसे योद्धा लोग कुरसैला में पैदा लिए हैं जिसका वर्णन नहीं है, उन्हीं का हम लोग कृपा पा रहे हैं, कृपा पा रहे हैं। तो आइए स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर तमाम लोगों को स्वस्थ, आरोग्य, निरोग, आपसी सद्भावना, भाईचारा, एकता, अखंडता को जोड़ते हुए अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करने का संकल्प लेते हैं और तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं। इस प्रखंड के अध्यक्ष हमारे अरुण शाह जी, हमारे साथ बैठे हुए बड़े भाई विमल मलाकार जी, हमारे साथ बैठे हुए आदरणीय मणिकांत यादव जी, विजय बाबू, राधा कांत झा जी जो केसरी रहे हैं पटिकारपुर सैला बिहार का, हमारे साथ पूरे विद्वान के रूप में, राइटर के रूप में भाई खविंदर चौधरी जी, शशि चौधरी जी, बाबू नरेश सिंह यादव और इस सभा के दोस्त सिंह को आप काट दिए, और इस सभा के महानायक के रूप में हमारे दिनेश बाबू, जितने तमाम लोग संघर्षशील थे, महेश राय जी, मधुकर जी, अजय जी, जगदेव बाबू, श्रीकांत मंडल जी, प्रकाश जी, जोगिंदर जी, क्या कहते हैं, विनोद पासवान जी, हमारे कैलाश जी, नागो जी, सरमनाथ जी, हमारे नागा जी, तमाम यहाँ उपस्थित भाई बंधु सब लोगों से निवेदन है, पत्रकार महोदय, मीडिया पत्रकार महोदय, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, मोबाइल मीडिया के, प्रेस मीडिया के, तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सब लोगों को ये बात आई सामने की स्थापना दिवस, विजय बाबू थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मणिकांत बाबू की स्थापना दिवस मनाना, हमने कहा कि स्थापना दिवस मनाना है नरेश, तो बढ़िया से मनाओ और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई सीओपीडीओ के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ये अपनी कमजोरी हम किसी को नहीं दिखाए हैं, हम तो दिखाएंगे, तुम तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ, क्या बात सही है दिनेश बाबू? हाँ। और तैयारी 3 दिन के अंदर में हमने किया, और तैयारी इसलिए किया, चले गए बिजू साहब, इसलिए किया विधायक जी, बात को समझिएगा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू बाबू जी, आदरणीय नीतीश जी जो बिहार के लिए कुर्बानी दिए हैं, अभी तक इतिहास में नहीं है, जगन्नाथ मिश्रा से उठाइए और चले आइए यहाँ तक, और यहाँ तक में आने में जो उपलब्धि प्राप्त किए हैं वो उपलब्धि अति पिछड़ा अल्पसंख्यक, जितने लोग अधिकार से वंचित थे सब लोगों को अधिकार देने का काम किया, सब लोगों को कुर्सी पर बैठाने का काम किया, दरोगा को कहा कुर्सी पर बैठना, और यहाँ जट्टा कटवाया गया, महाजन जी यहाँ पर डीएम हुआ करते थे और आरके बाबू थे, और वो लोग के सामने में सब लोग उनके बीच में लालू जी बोले गए, इसका गिट्ठा तोड़ो, इसका जांटा काटो, इसका नाक का नेटा पोछो, और पोछवा करके इस प्रखंड का उद्घाटन नहीं किए, सब कुछ कर दिए, सब कुछ होने के बाद कहा कि अब यदि सीओ वीडियो आएगा, कर्मचारी आएगा, तुमको रसीद कटाने से लेके जो भी जनसुविधा में असुविधा बुझाएगा, इसके लिए हम समयली में भी प्रखंड दे दिया और कुरसैला में भी प्रखंड दे दिया, और चार चीज दिया, चार चीज दिए आदरणीय लालू यादव जी ने,
चार चीज किया दिए कि सबसे पहले